काल भैरव भक्त मंडल द्वारा मुक्तिधाम स्थित राजा काल भैरव महाराज के मंदिर पर प्रतिवर्ष धूमधाम से चोलावर श्रृंगार कर महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। वहीं प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भैरव अष्टमी पर राजा काल भैरव महाराज मंदिर मुक्तिधाम पर फूलों से विशेष सजावट कर बाबा भैरवनाथ का चोला श्रृंगार कर महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर महाप्रसादी ग्रहण की। वहीं शहर के विभिन्न मंदिरों पर भी पूजा अर्चना कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। आज काल भैरव अष्टमी है। हर वर्ष हम बाबा का विशाल भंडारे का आयोजन मुक्तिधाम शमशान घाट पर रखते हैं और बाबा की चोला यात्रा रेवाबाग से प्रारंभ होती है। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चोला यात्रा पुनः बाबा के निवास स्थान पर आती है शमशान में, और उसके बाद बाबा का महाआरती का कार्यक्रम है। तो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता आ रहा है और इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन बाबा के आशीर्वाद बाबा की कृपा से भक्तजनों ने रखा है, जो सुचारू रूप से सुबह 12 बजे से चल रहा है एवं बाबा की इच्छा तक चलता रहेगा। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पमार की ये रिपोर्ट।